हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम आलोक। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 9 ऑफ योर हिस्ट्री सेक्शन, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, मतलब अंग्रेज भारत में कैसे सेटल हुए। ओके, अब हम बात कर रहे हैं अर्ली 18th century की। तो तब क्या था कि जो उस टाइम की स्ट्रॉन्ग अथॉरिटीज़ थी लाइक मुगल्स और मराठास, उनकी पावर जो है वो कम होने लगी थी, और जो दूसरे किंगडम से छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो इसका फ़ायदा किसने उठाया? इसका फ़ायदा उठाया यूरोपियंस ने। वो इंडिया आए किस लिए? कच्चे माल और नए बाज़ार की खोज में इंडिया आए, और फिर धीरे धीरे इंडिया के लोगों का शोषण किया और फिर यहीं सेटल हो गए। अब हमारी हेडिंग है यूरोपियंस ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया, मतलब ऐसी ट्रेडिंग कंपनीज जो यूरोप से इंडिया में आई हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है द पुर्तगीज इन इंडिया। अब बोला जाता है कि जो पुर्तगीज थे वो ही इंडिया में सबसे पहले आए थे। ओके, जो कि पुर्तगाल से आए थे। अब क्या हुआ था कि जो पहला शहर था जहाँ से उन्होंने इंडिया में एंटर किया वो था कैलीकट, और इन्होंने व्यापार करने के लिए कैलीकट, कोचीन और कैनामूर, इन सिटीज़ में अपने ट्रेडिंग सेंटर्स खोले। लेकिन 17th century में इनकी पावर कम होने लगी और वो अपनी मोनोपोली मीन्स अपना एकाधिकार रिटेन नहीं कर सके। सेकंड नंबर पे है द डच इन इंडिया। ये इंडिया में आए और इन्होंने एक कंपनी खोली, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1602 में इस्टेब्लिश हुई इंडिया में। अब इन्होंने जो अपने ट्रेडिंग सेंटर्स खोले वो खोले थे कोस्टल एरियाज में, मीन्स जो समुद्री सीमा है वहाँ पर इन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स खोले। इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री जो थी वो डाली मसूलीपट्टनम में। ओके, ये भी एक कोस्टल एरिया का एक सिटी है। उसके बाद और भी फैक्ट्रीज खोली चिंसुरा, पीलीकट एंड सूरत में। फिर इनका जितना भी सेटलमेंट था वो सब किसने खरीद लिया? ब्रिटिश लोगों ने। थर्ड नंबर पे है फ्रेंच इन इंडिया। अब फ्रेंच लोग जब इंडिया में आए उन्होंने अपनी कंपनी खोली, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1664 में इस्टेब्लिश हुई। इन्होंने अपने जो ट्रेडिंग सेंटर्स खोले वो खोले पौंडीचेरी जो कि मद्रास में है, चंदानगर जो कि बंगाल में है, और मॉरिशियस जो अरब सागर में आता है। अब जो ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये ब्रिटिश कंपनी मींस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर थी, और इनके पीछे लड़ाइयाँ होती ही रहती थी। अब लास्ट में बात करेंगे द ब्रिटिश इन इंडिया। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबको पता है कि ब्रिटिश लोगों ने हम पर रूल किया था, हमारे इंडिया के लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया फ्रीडम के लिए। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसे इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी EEIC भी बोलते हैं। ये 9 प्राइवेट कंपनीज का एक ग्रुप थी जिसे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रूल करते थे। इसे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने चार्टर्ड किया दिसंबर 1600 में, इसलिए इंडिया के साथ व्यापार विकसित करने के लिए। इन्होंने 1612 में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में लगाई, उसके बाद फिर मद्रास, बॉम्बे, कैलकटा, इन सबको भी अपने कंट्रोल में ले लिया। 1652 में इनकी इंडिया में 23 फैक्ट्रीज हो गई थी। ओके, फिर जिसे बाद में इन्होंने किले में मींस फोर्ट में कन्वर्ट कर लिया। इस कंपनी का शासन एक इंडिया के बड़े भाग पर हो गया था। ओके, मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़े भाग पर ब्रिटिश कंपनी का रूल हो गया था। ये अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने लगे और ट्रेडिंग कंपनी से एक पॉलिटिकल पावर बन गए। अब इस चैप्टर के जो रिमेनिंग टॉपिक हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।